ओन टू ओ थ्री फोर फाइव। खैर, ये अंग्रेजी की इस गिनती में कुछ अक्षरों के साथ इतना गेम खेला गया है कि आप जानेंगे तो बोल उठेंगे, अरे ये बात तो दिमाग में आई ही नहीं थी। चलिए हम बताते हैं वो चुनिंदा फेमस अल्फाबेट्स जिन्हें रोमन काउंटिंग में नजरअंदाज कर दिया गया है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब 1 से 99 तक की गिनती को अंग्रेजी में काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि इन चारों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है। 99 के बाद 100 में पहली बार डी का यूज किया गया है। हालांकि ए बी और सी का प्रयोग और काफी नंबर्स के बाद हुए हैं।